दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अभी ट्विटर पे क्या चल रहा है, एयर इंडिया और सऊदी एयरलाइंस आदमी लोगों को क्या जवाब दे रहा है आज का डेट में। फ्लाइट के बारे में आदमी लोग पूछ रहे हैं तो उनको क्या रिप्लाई मिल रहा है। जो लोग ट्विटर नहीं चला रहे हैं उनको जो है मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको जो है पता लग जाए अभी क्या चल रहा है ट्विटर पर फ्लाइट के बारे में। ठीक है, तो देखिए बहुत लोग जो है अभी सऊदी एयरलाइंस को यही कमेंट कर रहे हैं कि सर इंडिया के लिए कब फ्लाइट शुरू करेंगे। तो कुछ दिन पहले अरब न्यूज़ में आया हुआ था, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं पिछले वीडियो में बना करके बता दिया था कि अरब न्यूज़ में ये लिखा गया है कि एक जनवरी से फ़्लाइट शुरू हो जाएगा। ये वीडियो में आप लोगों को पिछले वीडियो में बना करके बता चुका हूँ। और सऊदी एयरलाइंस भी यही कह रहा है कि जनवरी में फ़्लाइट शुरू हो सकता है। ठीक है ना, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जो आदमी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट कब चालू होगा, तो उसको जो है यहाँ पे एक लिंक दे दिया जाता है जो कि ट्विटर पे आदमी लोग कमेंट कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। बहुत लोग ट्विटर नहीं चलाते हैं तो यहाँ पर एक लिंक दे देते हैं, जो कि ये अपडेट दोस्तों आप देख सकते हैं 8 दिसंबर का है। ठीक है ना, आदमी लोग अभी भी कमेंट करते हैं, यहाँ पे लिंक देते हैं। सऊदी एयरलाइंस कहते हैं कि प्रिय अतिथि, इस समय भारत से सऊदी अरब के लिए कोई उड़ान नहीं है, कृपया इस लिंक पर अपना शेड्यूल देख सकते हैं फ्लाइट का। अगर देख रहे हैं तो आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये फ्लाइट जो 3 जनवरी को टिकट बुकिंग हो रहा है, तो बहुत लोग कंफ्यूज है कि भाई टिकट बुकिंग करें कि ना करें 3 जनवरी को। भाई बहुत लोग परेशान ही ना होगा, क्योंकि ये जो है ऐसा लिंक दे रहा है। अब एयर इंडिया की बात करते हैं तो एयर इंडिया अभी यही कह रहा है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इंडिया से सऊदी अरब के लिए कब फ्लाइट चालू करेंगे, कोई पक्का खबर बताइए, कोई ऐसा खबर बता दिए कि हम टिकट बुकिंग कर लें। एयर इंडिया भी कह रहा है कि प्रिय महोदय, अभी मतलब 22 कंट्री के लिए फ़्लाइट जा रहा है जो कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए जो सस्पेंड लगा हुआ है अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने नहीं हटाया है। इसके कारण जैसे ही सस्पेंड हटाएगा मैं आप लोग को ट्विटर के माध्यम से बता दूंगा, ये एयर इंडिया का कहना है। तो भाई बहुत लोग जो है पिछले वीडियो में मैं बताया था कि भाई सऊदी एयरलाइंस कह रहा है कि जनवरी तक वेटिंग करना है, जनवरी के बाद क्या क्या सऊदी अरब में खुलेगा ये आपको सूचना दे दिया जाएगा। इसमें दोस्तों बहुत लोगों ने क्या कह रहा मालूम है, एक भाई मुझे कहा था पिछले वीडियो में कि भाई ये लोग पैसा कमाने के लिए मतलब व्यूज पाने के लिए कुछ भी, यहाँ पे एक आदमी कह रहा है ये लोग खाली वीडियो बना के अपना मनी बढ़ा रहे हैं। भैया अगर हम अपना मनी बढ़ा रहे हैं ये 2000-3000 व्यूज में कितना कमा लेंगे। यहाँ पे सऊदी अरब में जो रहता है उसको पता है कि भाई नेट का कितना खर्चा है। 100 रियाल का नेट मारते हैं तो भैया 1800 रुपया हो जाता है इंडिया का। ठीक है, 200-100 रियाल तो आदमी का चला ही जाता है नेट में। ठीक है, इधर का उतना तो आदमी यूट्यूब से कमा भी नहीं पाते हम लोग का जैसा आदमी लोग। अब भैया कमाने वाले लाखों कमाते हैं, एक बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बहुत लोग कहते हैं कि अब एक आदमी ने पूछा है कि भाई नया वीज़ा कब से शुरू होगा, तो भैया उसको पता नहीं है तो उसको तो बताना ना पड़ेगा। यहाँ पे उसने पूछा कल 5 घंटा पहले कि भाई एक बात बता सकते हो इंडिया से सऊदी अरब के लिए नया वीज़ा कब चालू होगा। तो दोस्तों अभी जो है जवाजात यहाँ का जो है गवर्नमेंट का वो कह रहा है कि अभी अगर आपको नया वीज़ा चाहिए तो अभी जो है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कह रहा है कि अभी वीज़ा नहीं निकल रहा है। ठीक है, नया वीज़ा देखिए जनवरी में सब कुछ खुलने वाला है, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या खुलेगा नहीं खुलेगा, फ़्लाइट खुलेगा नहीं खुलेगा। ये कह रहा है जवाजात कि अगर आपको वीज़ा चाहिए तो विदेश मंत्रालय से संपर्क करें। आप विदेश मंत्रालय से संपर्क करें, कैसे बात करें, क्या करें, ये हम लोग को तो पता नहीं है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मिला जुला के अभी वीज़ा फ्लाइट ही नहीं, तो वीज़ा ले करके क्या करिएगा। जिन बहुत लोगों को एक्सपायर हो चुका है वो लोग सोच रहे हैं कि भैया कब बढ़ेगा, खुद बढ़ाऊँगा, मेरा कपिल नहीं बढ़ा रहा है, ये सब बहुत सारा झमेला है। और बहुत लोगों का भाई कपिल बढ़वा दिए हैं, कुछ लोग को जो है बढ़वा नहीं रहे हैं। अब देखिए जनवरी एक महीना है, अब जनवरी के बाद क्या खबर आता है ये आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यही था जो इस वीडियो में सोचा कि आप लोगों को जो है कुछ बताना चाहिए। आज के इस वीडियो में कुछ दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक।